हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं लेसन 5 आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। मोर देन वन यानी एक से अधिक, यानी गर्ल्स गर्ल्स, बॉय बॉयज, काउ काउस। तो चलिए, इसमें आपको अंडरलाइन द यानी इस का इस्तेमाल करना बता रहा है। चलिए, अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड अंडर इच पिक्चर। इस पिक्चर को देखकर जो करेक्ट हमको लग रहा है, जैसे बहुत एक से ज़्यादा जो है उसमें एस लगे होंगे, तो चलिए एक से ज़्यादा है तो कप्स। इसी तरह बहुत सारे पेन हैं, यहाँ पेन से ले लो। इसी तरह टेबल है, एक टेबल दिख रहा है ना अभी, तो वन टेबल। यहाँ पे बहुत सारे स्पून हैं यानी चम्मच हैं। यहाँ पे गाय एक है। उसी तरह यहाँ पे क्या है, बहुत सारे बटन्स हैं, तो बटन्स। सब घर कितने हैं, एक है तो हाउस। बहुत सारे टमाटर हैं, तो टमाटो। ग्लास हैं, ग्लासेस, बहुत सारे ग्लास हैं। तो हम लोगों ने पहचान लिया कि एस या ई एस लगे होंगे तो वो क्या होंगे, कूलर होंगे। एस या ई एस लगे होंगे तो क्या होंगे, कूलर होंगे। तो हमने पिक को देखकर यानी पिक्चर को देखकर एस या ई एस वाले को अलग कर लिया। जिन लोगों में एस या ई एस होगा तो वो कूलर होगा, जैसे पेंस हो गया, टेबल है तो सिंगलर हो गया, बटन्स हैं तो बहुत सारे बटन्स हैं तो इसमें बटन्स लगा दिए, काउ एक है तो काउ में लगा दिए। इसी तरह एक्सरसाइज 2 में वी ऑफन एंड एस टू अ नेम वर्ड्स वेन आई मीन्स मोर देन वन, यानी एक से अधिक है नेम वर्ड्स, तो उनको हम लोग जैसे वन काउ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू सी ओ डब्ल्यू एस काउस। रूलर है देखिए, तो इसमें बहुत सारे आर यू एल ई आर एस रूलर। इसी तरह स्टूडेंट्स एस टी यू डी ई एन टी एस स्टूडेंट्स। चलिए इसको बनाते हैं, मेनी बिस्किट्स बी आई एस सी यू आई टी एस बिस्किट्स। इस तरह हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर बी एंड क्वेश्चन नंबर सी कंप्लीट हो गया। ठीक है, इतने हम लोग कर लेंगे। इसके बाद अगले क्लास में मैं इसके बाद वाला जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट कराऊंगी। ओके, बाय।